फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज के दिन की शुरुआत हो गई है पूजा से। पूजा मैंने कर ली है एंड थोड़ी देर में मम्मी और भी आ जाएंगे। एज यू नो, मम्मी और के घर का काम शुरू होने वाला है। सो हमने आई थिंक एक मिस्त्री को फाइनल कर लिया है। सो वो आएगा अभी, उसको समझाया जाएगा। देखते हैं यार उसमें कितना मैं आपको दिखा पाऊंगी। एंड घर के काम, अभी मैं पता है क्या सोच रही थी, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं करा है और पहले मुझे कपड़े डालने हैं, धोने वाले, मतलब सुखाने हैं। संदीप सुबह ना मशीन में डाल के चले गए और मुझे बताना भी भूल गए। वो तो ये हुआ कि मैं जल चढ़ाने के लिए बाहर गई थी तो मैंने देखा कि कपड़े मशीन में रखे हुए हैं, क्योंकि नेगी जी सुबह सुबह जल्दी चले जाते हैं। तो फिर मैंने ध्यान दिया कि कपड़े पड़े हैं, तो अब मैं सोची पहले कपड़े डाल लेती हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट करूंगी। आज थोड़ा सा हेडेक है सिर में, आई थिंक मौसम चेंज हो रहा है इस वजह से। पहले मुझे फीवर वगैरह भी था, बट फीवर वगैरह अब ठीक है, गला वगैरह अब ठीक है। आपको आवाज़ ठीक से आ रही होगी, वरना लिटरली मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। और बस यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय का पानी चढ़ाया है। जब तक चाय वगैरह बनेगी मैं कपड़े डाल के आ जाऊँगी, पहले ब्रेकफास्ट कर लूँगी, उसके बाद आपसे मिलूंगी। तो चलिए पहले बाहर चलते हैं और कपड़े डालते हैं। एंड कपड़े डालने से पहले मुझे याद आया, मुझे ये दालें भी अरेंज करनी है। ये दो चार दिन से मैंने मंगवा के रखी हुई है पर रखी नहीं है। एंड आपको मैंने पहले भी दिखाया हुआ है जैसे कि मेरा दालों वाला बॉक्स का जो शेल्फ है ये है। मैं थोड़ा सा स्क्वायर शेप में यूज़ करती हूँ बॉक्स कि इजीली आ जाए। और जो आपको खाली दिख रहे हैं ना बॉक्स, उन्हीं को रिफिल करना है। वो मैंने धो के रखे हैं वहाँ पे। मैंने सोचा था इस बार दालें सारी यूज हो जाएंगी ना, तब रिफिल करूंगी। हालांकि एक का दाल मैंने रिफिल कर दी थी बीच में, क्योंकि उसकी मुझे जरूरत पड़ गई थी। अब इन्हें रिफिल करेंगे, पहले कपड़े डाल लेते फिर इन्हें रिफिल करेंगे। तो गाइस, कभी कभार तो मुझे सच में ऐसा फील होता है कि हाँ यार, सुबह के काम ना फ्री ही नहीं होने देते हैं। पहले मुझे लगता था यार क्या ही काम होता होगा, लेकिन सच में सुबह ना सबसे ज्यादा काम होते हैं। कपड़े हो चाहे ब्रेकफास्ट का हो, कुछ भी हो ना, आपको सारे अरेंजमेंट्स करने होते हैं, उसी में आपको टाइम लग जाता है। और ये भी सबसे बड़ी बात है कि अभी तक मुझे ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं मिला है। सो डाल लेते हैं पहले कपड़े। एंड फ्रेंड्स, मैंने सोचा था कि इसको लगाऊंगी बट ये टूट गया है। मैंने सोचा था ट्राईपॉड यूज़ करूंगी और जो जो शॉट लेने होते हैं वो लूंगी, बट मेरा ट्राईपॉड का जो जिसमें मेरे को फ़ोन लगाना है वही टूट गया है। सो आज ट्राईपॉड तो यूज़ ही नहीं हो सकता, तो आई थिंक मुझे ये दोबारा परचेज करना पड़ेगा। नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला जो ये अलग से जिसमें फ़ोन लगता है ना, ये टूटा है, तो ये मुझे दोबारा परचेज करना पड़ेगा। पता नहीं फ्रेंड्स आज मेरा इतना सर दर्द क्यों हो रहा है। दो मिनट आराम से बैठी थी कि बिग बास्केट वाला भी आ गया सामान लेके। सो सामान लूँगी अब उससे। एंड दालें अभी भी वहीं पड़ी हैं, मैंने अभी अरेंज नहीं करी है, कर देती हूँ। मैं सोच रही हूँ सामान आ ही गया तो अब सारा का सारा एक साथ सामान अरेंज कर दूंगी, पर पता नहीं कि सर दर्द ना ठीक ही नहीं हो रहा है। तो गाइस, ये सारा सामान आ गया है। दालें पहली आ गई थी, अब बाकी सामान भी आ गया बिग बास्केट से। मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ, इससे पहले मैं इसे अरेंज कर। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस बार मैंने फर्स्ट टाइम पूरा 1 kg का पैक मंगाया है चाय पत्ती का, क्योंकि चाय पत्ती बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। और मैंने ताजमहल टी मंगाई है, मुझे ये वाली बहुत सही लगती है तो ताजमहल टी मंगवाई है। और दालों में वैसे तो मेरे पास कुछ दालें थी, चना वना मैंने कुछ कुछ चीज़ें खोल दी हैं। यहाँ पे राजमा है दो टाइप की, ये कश्मीरी राजमा है रेड वाली जो होती है, और ये जो चितकबरी वाली राजमा होती है वो है। एंड ये है तूर दाल, और ये है आपकी मसूर दाल, ये है अरहड़, काली अरहड़ जिसे कहते हैं, और ये है चना दाल। तो मैंने 1-1 किलो के ही पैकेट मंगवाए, मैंने सोचा ज़्यादा नहीं मंगाऊंगी, जब कुछ खत्म होगा तब मैं पैनेटरी में दोबारा से सामान रख दूंगी कि धीरे धीरे करके मंगवाओ, क्योंकि ना गर्मियों में क्या होता है ना, इनमें कीड़े वगैरह भी जल्दी लगने लग जाते हैं। तो गले को करते हैं सही। एंड ये है मेरा साबुदाना। साबुदाना मुझे बड़ा सही लगता है, साबुदाना बना लो नॉर्मल सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ पीनट्स हैं, पीनट्स मेरे पास पहले भी थे बट मैंने नमकीन वगैरह में डाल डाल के खत्म कर दिए। सो साबुदाना हो या पोहा हो, उसमें पीनट डालने पड़ते हैं। यहाँ पे है आटा, आटा भी खत्म हो गया था, आटा मेरा बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है तो मैं, क्योंकि 5 किलो का ही आटा मंगवाती हूँ। और ये है पूजा का तेल, मंगलमय तेल। एंड ये है, मैंने इस बार फर्स्ट टाइम टाइड मंगवाया है। वैसे मैं एरियल वगैरह यूज़ करती हूँ, सर्फ एक्सेल यूज़ करती हूँ, पर मैंने सोचा कि टाइड मंगा के देखती हूँ, तो मैंने इस बार ये टाइड वाला मंगवाया। फ्रंट लोड का है ये, क्योंकि मेरी मशीन फ्रंट लोड है तो मैंने फ्रंट लोड वाला मंगवाया है। और ये है ऑलिव ऑयल, क्योंकि मुझे कुछ कुछ चीज़ों में ऑलिव ऑयल चाहिए होता है, लाइक कभी पराठे खाने हैं या ऑमलेट वगैरह खाना है तो मैं उसमें ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ। बाकी सारी चीज़ों के लिए मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ। एंड ये क्या है, आज मैंने ये फर्स्ट टाइम मंगवाया है। इससे पहले मेरे पास इसका पाउडर वाला फॉर्म था, पीतांबरी, जो पूजा वूजा के बर्तन धोने होते हैं ना वो मैं इससे धोती हूँ तो एकदम से क्लीन हो जाते हैं। तो फर्स्ट टाइम मुझे उसका लिक्विड दिखा है तो मैंने वो भी मंगवा लिया है।
अभी सारे सामान के बाद हम आते हैं थोड़े चुटर पुटर पे। तो ये है एक नमकीन भुजा, ये हल्दीराम्स वाली है, मैंने ये एक ही मंगवाई है, और एक ये पीनट्स मंगवाए हैं। ये दो चीज़ें ऐसे चिट चैट के लिए मंगवाई हैं, पर ये दो ही नहीं है, एक आध चीज़ें आपको आगे और दिख जाएंगी। रेड चिली पाउडर मेरा खत्म हो रहा था, नमक मेरा खत्म हो गया था ऑलमोस्ट, मैंने एक खरीद लिया था, पर मैंने फिर सोचा कि ना दो पैकेट मंगवा लिया जाए, क्योंकि ये चीज़ें ऐसे होती हैं ना, ये चाहिए होती हैं एकदम से। दो मैगी के पैकेट मंगवाए हैं, क्योंकि कभी कभार मैगी भी चाहिए होती है, कभी इमरजेंसी होती है, मन नहीं करता तो मैगी खा सकते हैं। एंड ये दो कुरकुरे मंगवाए हैं, ये नेगी जी तो नहीं खाते, मेरे को ही कभी कभार मन करता है, तो मैंने दो छोटे छोटे पैकेट मंगवाए हैं। और ये है सूप, तो ये है हॉट एंड सोर वाला सूप, ये बहुत बहुत टेस्टी होता है। टमाटो सूप मेरे पास पड़ा था, तो मैंने सोचा ये वाला मंगवा लेती हूँ, कभी कभार शाम को ना ये पीने का मन करता है। दैट्स इट, ये सारा है जो मुझे अब अरेंज। राइस वगैरह भी इसके साथ आया था, 5 किलो का राइस का पैकेट भी था, वो मैंने निकाल दिया है, मतलब आधा रख दिया और आधा फिर मैंने उसे अंदर संभाल के रख दिया है। कुछ कुछ चीज़ें मैंने पहले खोल दी थी, कुछ कुछ चीज़ें नहीं खोली थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर लूँ इसे। तो अब मैं इन सबको जल्दी से अरेंज कर लेती हूँ, क्योंकि काम बढ़ जाता है और मम्मी और भी आने वाले हैं थोड़ी देर में, सो उनसे भी मिलवाएंगे आपको। गाइज अभी भी सर इतना दर्द हो रहा है ना, मैंने अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई है अब। एंड यस, कुछ लोग बोलते हैं ब्लैक कॉफ़ी कैसे पी लेते हो, सो हैबिट हो जाती है धीरे धीरे पीते पीते, पहले पहले गंदी लगती है, कड़वी लगती है, लेकिन धीरे धीरे इसका टेस्ट आपको अच्छा लगने लगता है। तो फ्रेंड्स फाइनली मम्मी पापा आ गए हैं, अब उनसे पूछते हैं आज क्या क्या हुआ, क्योंकि मैं तो नीचे गई नहीं थी, मेरे सिर दर्द हो रहा था। तो मम्मी क्या क्या किया आज नीचे? हेलो दोस्तों, राधे राधे। पापा तो थक गए, पापा तो थके, रोज रोज आके चक्कर लगा रहे यहाँ पे, आज काम दे दिया उसको, आज मिस्त्री मतलब फाइनल हो गया। चक्कर दोस्तों मेरे यहाँ पे अब मम्मी के रोज वसुंधरा के चक्कर लगेंगे, मेहंदी पतली हो जाऊंगी रोज रोज आके मेट्रो में। और उसने कितना टाइम बोला कि कितना टाइम में हो जाएगा काम? 2 महीने बोला है, पता नहीं 2 महीने लगा के, अगर 2 महीने बोला है तो मतलब दो ढाई महीने लगा के चलो, कह नहीं सकते। हाँ पहले से कुछ कह नहीं सकते। वीडियो बनाना भूल गई मैं, भूल गया गई वो काम, बात उसे बताने में लग गई। मैं उस दिन सबको यही बोल रही थी कि क्या कहते हैं, वीडियो बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, वैसे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा तभी मजा आएगा देखने में। पहले की वीडियो बनानी चाहिए कि पहले घर ऐसा था और अब देखो घर की हालत ऐसी हो गई है, पहले में रब कितना। तो काम शुरू होने से पहले एक बार वीडियो बनानी पड़ेगी। और पापा इतने थके हुए क्यों हैं? हेलो नमस्कार दोस्तों, वीडियो चला रखी है किसी की, क्या मन की है? मम्मी पापा को भी बोलने दो जरा। आप सभी का स्वागत है, जो बड़े हैं उनको नमस्कार, छोटों को प्यार आशीर्वाद, उनको प्यार और आशीर्वाद। दोस्तों अभी हम यहाँ वैशाली वसुंधरा में हैं, यहाँ हमने फ्लैट ले लिया है। आप वैशाली में हो, हम वसुंधरा में हैं, सड़क का फासला है, दोनों साथ साथ है। अभी तो खैर सरकारी मकान में रह रहे, सरकारी मकान का मजा ही कुछ और है। अभी हम नॉर्थ वेस्ट मोतीबाग में, वहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी है, वहाँ बहुत अच्छे मकान। दोस्तों पहले ऐसा था कुछ टूट गया, सब कंप्लेंट करी, सरकारी था और आ जाता था सही कर देता था। अब पता चल रहा है कितना लग रहा है दोस्तों, मैंने सोचा आगे से मैं ताला चाबी जेब में रख दूंगा, मेरी मैडम जैसे मैं जैसे पापा कुछ बोलते मम्मी बोलने देती, इसलिए मैं आगे से ताला रख लिया करूंगा जेब में। तो गई आज तक सबको ठीक है, आज तक तो ये होता था ना कि पापा सरकारी में थे तो हर चीज हो जाती थी हमारी इजीली, कंप्लेंट करी इंक्वायरी में और वो चीज एकदम से सही हो जाती थी। अब जब प्राइवेट कॉलोनी में आओगे तब पता चलता है कि एक ही चीज के लिए आपको जब सोचना पड़ता है, बोलना पड़ता है और अभी करवाना पड़ता है। अब हम एंड सीखेंगे सबका एज यूजुअल, यहाँ बुड्ढा बुड्ढी की लड़ाई शुरू रहती है। पापा बोलते हैं मम्मी मुझे बोलने नहीं देती, मम्मी बोलती है पापा को नहीं। हम जो है ध्यान रखेंगे हर चीज का, पहले थोड़ा सरकारी क्वार्टर में तो आदमी लापरवाह, लेकिन जब अपना घर हो नहीं, वैसे पापा और सरकारी क्वार्टर में भी लापरवाह नहीं थे, लापरवाह नहीं। आपको तो बहुत चीजें आती है खुद करनी, लेकिन क्यों करे जिसका जो काम है वो करेगा सब कुछ। हाँ हो जाता है सब कुछ। अब मम्मी और जा रहे हैं, फिर आपसे नेक्स्ट डे मिलेंगे, क्योंकि अभी आए थे अब जल्दी जल्दी, बस मम्मी और की बहुत गाड़ी हो रही है। चलो बाय बोल दो, धन्यवाद आपका। तो फ्रेंड्स शाम हो गई है, मम्मी और चले गए हैं, एंड अभी मेरी हाउस हेल्प आई थी, सो आज उसने मेरे लिए ना कुछ अलग सी चीज बनाई है, कुछ मैं आपको दिखाती हूँ पहले बैक कैमरा से ये क्या है। उसने बोला भाभी ये खा के देखो बहुत अच्छा होता है, तो मैंने कहा चल बना दे, अगर अच्छा होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, मतलब उसे बोलूंगी कि ये रेसिपी हमारे साथ शेयर कर सबके साथ, की लोग भी ना इसको होली के टाइम पे बना सके, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो उसने ना जैसे गट्टे की सब्जी बनती है ना वैसी है ये, कुछ जैसे कि इसमें डला है धनिया है, बेसन है, उन चीजों को ही मिक्स करके उसने कुछ बनाया है, लाइक ये पकोड़े की तरह ऐसे। तो उसने कहा ये आप चाय वगैरह के साथ खाओगे तो बहुत अच्छा होता है,
तो अगर ये रेसिपी मुझे अच्छी लगेगी तो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे होली की रेसिपी के लिए इसको, क्योंकि मैं भी इसे फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, मैंने इसको आज तक नहीं खाया है। उसने बस मैंने सुना सुना था, वो कहती थी बहुत अच्छा बनता है बहुत अच्छा बनता है, तो मैंने कहा क्यों ना हमारे को दिखा एक बार बना के कि कैसे बनता है, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं लोगों के साथ इसे शेयर करूंगी। खाना मेरा सब्जी बन गई है, रोटी अभी बनानी है, रोटी थोड़ी देर में बनाऊंगी। सर दर्द पहले से बेटर है, पापा कह रहे थे कहीं तेरा बीपी वीपी तो नहीं बढ़ रहा, पता नहीं क्या हो रहा है यार, या तो मौसम चेंज होता है ना तब भी ऐसा होता है, बट सुबह से मेरा सर दर्द था। तो नेगी जी ने ट्राई कर लिया है, कैसा हो रहा है ये? अच्छा हो रहा है। बेसन और धनिया, यही धनिया मैंने आपसे मंगवाया था अभी, उसी धनिया का बना है। अच्छा टेस्ट हो रहा है, धनिया बहुत महंगा हो गया लेकिन इसलिए अच्छा हो रहा है शायद। नहीं ये बहुत हेल्दी है वैसे देखा जाए, इसमें तेल बहुत कम है, बहुत थोड़े से तेल में इसको भुना गया है, बाकी ये सिर्फ पानी में वो हुआ है, भाप में पका है। तो ये धनिया और क्या है? बेसन, अजवाइन वगैरह, हरी मिर्ची, बेसिकली बेसन और धनिया का काम है इसमें ज्यादा। अच्छा, और एक थोड़ा सा छौंका मारा एंड में, आ लेते हैं हम भी इवनिंग स्नैक। सो गाइस वीडियो को यही एंड कर देते हैं, वरना वीडियो बहुत 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 लंबा हो जाता है, एंड पूरा दिन बीत गया और आज ना बिना ट्राईपॉड के मुझे बहुत मुश्किल हुई, काफी चीजें तो मैं शूट ही नहीं कर पाई आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि कैमरा कहाँ एडजस्ट करती समझ ही नहीं आ रहा था। अब मुझे जल्दी से अमेजोन में ट्राईपॉड सर्च करना पड़ेगा, एक मुझे ट्राईपॉड चाहिए था जिसकी हाइट थोड़ी ज्यादा हो, और एक मुझे उसका वो लेना है जिसमें मैं फोन एडजस्ट करती हूँ। वो दोनों चीजें मुझे देखनी है, मैं जल्दी से सर्च करूंगी और उसको फिर आपके साथ शेयर करूंगी, जो भी मंगवाऊंगी फिर आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को यहीं एंड करते हैं, आज बहुत हैक्टिक डे था, ज्यादा हैक्टिक नहीं था बट मेरे हेडेक ने इसको हैक्टिक बना दिया, अभी फिलहाल हेडेक नहीं है, पूरा दिन तो मैं सरदर्द से ही, मतलब आज पूरा दिन मेरा सरदर्द रहा है, पर मैंने मेडिसिन नहीं ली सरदर्द की, मैंने सोचा मेडिसिन जितना अवॉइड कर सकती हूँ करूँ। एंड बस अब वीडियो को एंड करने से पहले बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोग वीडियो देखते हैं, अपना प्यार देते हैं, प्लीज़ 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 कमेंट्स भी किया कीजिए, जो आपको लगता है अच्छी अच्छी चीज़ें लिखनी है, या कुछ आपको लग रहा है कि हाँ मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, या मुझे आप मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं तो आप वीडियो में लिख सकते हैं, नेक्स्ट टाइम मुझे अगर लगेगा तो मैं उसके आंसर्स आपको दूंगी। एंड काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि कुछ कुछ क्वेश्चंस लोगों ने किए हैं उसका रिप्लाई भी करूं। बस जो चैनल में नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन को दबाइएगा, बाय।